प्रिया नव भारत की इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ढेर, अमेरिका ने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को ड्रोन हमले में मार गिराया। अल जवाहिरी मिस्र का एक डॉक्टर था, वो दुनिया के टॉप आतंकियों में शामिल था। भारत ने 92 साल बाद फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। भारतीय लॉन बॉल्स महिला टीम ने न्यूजीलैंड को 16-13 से हराया। पीएम के भाई प्रहलाद मोदी का जंतर मंतर पर धरना। प्रहलाद मोदी और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के अन्य सदस्य जंतर मंतर पर एकत्र हुए और नारेबाजी की। सदस्य दुकानों से बेचे जाने वाले चावल, गेहूँ, चीनी के साथ ही खाद्य तेल और दालों पर होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लाल किले से संसद का सांसद निकालेंगे तिरंगा बाइक रैली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने बुधवार को सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से इस रैली में सम्मिलित होने का आग्रह किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच के 800 से अधिक सरकारी वकील सस्पेंड। योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 366 और लखनऊ खंडपीठ में 220 नए सरकारी वकील नियुक्त किए हैं। इनमें अपर अधिवक्ता से लेकर ब्रीफ पोलर तक सभी पदों से वकील शामिल है। सरकार ने बर्खास्तगी के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। आज की इवनिंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नवभारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।